आप सबको विदित है कि पूरे विदिशा जिले में एक मिनट भाई साहब रुक जाना एक सेकंड पूरे विदिशा जिले में सोयाबीन उड़द और मूंग पर पहले कीट का प्रकोप हुआ यानी कीड़े का प्रकोप हुआ और फसल तबाह हुई और बची खुची जो फसल थी वो अत्यधिक बारिश में खत्म हुई। हमारे कुछ सवालों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जब पिछली बार इसी मौसम में किसानों को नुकसान हुआ था और शिवराज जी विपक्ष में थे, कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी, शिवराज जी ने कहा था ऑन रिकॉर्ड है कि यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो 40,000 रुपये प्रति बीघा किसान को सोयाबीन और उड़द की मुआवजे के तौर पर देता। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि माननीय शिवराज जी क्या आज आप मुख्यमंत्री हैं? यदि हैं तो जो बात आपने पिछले वर्ष कही थी उसका पूरा करिए, नहीं तो नैतिकता के आधार पर बोल दीजिए कि मैंने झूठ बोला था या मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे पेट में झूठ की मशीन लगी है उससे सही निकलते ही नहीं है। दूसरी हमारी शिवराज जी से मांग है कि जो वो बड़े बड़े विज्ञापनों में बोल रहे हैं कि 6 तारीख को बीमा डालेंगे, हम बीमा डालने का स्वागत करते हैं, मगर हम पूछना चाहते हैं कि शिवराज जी ये बीमा पिछले वर्ष का है क्या वर्तमान वर्ष का है जिसकी प्रीमियम राशि कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने जमा की थी, वो बीमा आप डालने वाला है, इसमें आपका क्या योगदान है? यह तो वही बात हो गई कि तेल जले बाती जले और नाम दिया को होए और लल्ला खेले काऊ को, बाकी आप जानते हैं। और इसके अलावा हम 15 महीने में भाजपा के नेताओं द्वारा किसानों के संबंध में जो भी वादे किए गए थे उन वादों को याद दिलाने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और SDM ग्यारसपुर को ज्ञापन देंगे और हमारी वही मांगे हैं कि किसान 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 हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और आज वही सबसे ज़्यादा परेशान है। भाई साहब, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाजपा सरकार लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, जो कांग्रेस सरकार की जो कर्ज माफी की जो योजना थी उससे किसानों को कितना लाभ हुआ है? आज जो आप जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं और ओवरड्यू किसानों को जो कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, शायद भाजपा का तो चरित्र है ना, उनके झंडे के रंग जैसा है, दुरंगा झंडा है, दुरंगा चरित्र है। मध्य प्रदेश के 26 लाख किसानों का कमलनाथ जी की सरकार ने कर्ज माफ किया और आजाद भारत में पहली बार कांग्रेस की सरकार ने ड्यू किसानों का भी कर्ज माफ किया। पहले ओवर ड्यू किसानों का हुआ 1 रुपए से लेके 2 लाख तक का, उसके बाद ड्यू किसानों का हुआ पहले फेज में 50,000 तक का, दूसरे फेज में 1 लाख तक का, और 31 मार्च के बाद 1 लाख से 2 लाख तक के बीच का कर्ज माफ होना था, मगर इस बीच भाजपा के नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त कर कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया। इसलिए यदि कोई जिम्मेदार है इस समय किसानों का कर्ज जो पूरा माफ नहीं हो पाया, उसके लिए शिवराज सिंह जी और देश की मोदी जी की सरकार और भाजपा के नेता जिम्मेदार हैं। 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है और हमने तो हर जिले में पेन ड्राइव दिया है, किसानों की लिस्ट दी है कि आप देखिए, और वक्त आने पर जब भी समय आएगा, हमने तो खुद सोसाइटियों में उसका वाचन कराया, उसकी तमाम वीडियो हमारे पास हैं। हर सोसाइटी में उस समय कांग्रेस के समय में
सोसाइटी के कर्मचारी गए, उन्होंने लिस्ट का वाचन किया, तो ये तो समझ में आता है कि कौन झूठ बोल रहा है। खुद शिवराज जी के परिवार का हुआ तो वो बता दें, उनके परिवार का नहीं हुआ वो भी बता दें, कृषि मंत्री के परिवार का हुआ, विदिशा जिले के तमाम भाजपा नेताओं के परिवार का हुआ, ग्यारसपुर के तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं का कर्ज माफ हुआ, वो बता दें अपने अंतर मन पे हाथ रख के कि कौन झूठ बोल रहा है, ये तो प्रमाण तो हम दे देंगे। आज जो और आपकी जो सरकार की बहुत अच्छी योजना आई थी कन्यादान, जिसमें आपने राशि 51,000 रुपए कर दी थी, पर उसको आधी कर दी गई है, इसका क्या कारण रहा है? आपकी योजना क्यों बंद किया जा रहा लगातार भाजपा सरकार के द्वारा? देखिए, हमारी योजना में कमीशन नहीं था, भाजपा की योजनाएं कमीशन पे आधारित है। इसी ग्यारसपुर में हमने एक बिल जारी किया था, यहाँ पर कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष हैं, पिछले जनपद के कार्यकाल में टेंट की दुकानों से गिलट की पाइलें खरीदी गई थी, वो प्रमाण है। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम सीधा बच्ची की खाती में पैसे डालेंगे और 51,000 रुपये डालेंगे, जिसमें से 48,000 रुपये बच्ची के खाते में जाएंगे, 3,000 रुपये बाकी खर्च के लिए दिए जाएंगे। तो कमीशन, क्योंकि भाजपा का तो आधार ही कमीशन है, अब दुर्भाग्य देखिए, अरे भैया कमीशन खा लो तुम्हारी तो आदत में है, मगर पैसे तो पूरे दे दो उन बच्चियों के, मामा बन के बात करते हो, मामाओं की बात करते हो और बच्चियों का पैसा कम करते हो। गौशाला की हम बात करें, गाय के नाम पर दो से लेके जहां तक पहुंचने वाले भाजपाइयों, गौ माता तुम्हें माफ नहीं करेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो, कमलनाथ जी ने 35 लाख रुपए प्रति पंचायत के लिए दिए, और पहले चरण में हर विकास खंड में 12 पंचायतों को लिया और वहां पर गौशाला खोलने के लिए पैसा दिया गया, और दूसरे चरण में फिर 12। इस तरह से चरण बाई चरण हमारी योजना थी, हमारे नेता की योजना थी कि हम मध्य प्रदेश में एक भी गौ माता को असुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। और अभी एक जैन संत ने कहा कि गौ के नाम पर राजनीति करने वालों को गौ माता माफ नहीं करेगी। गौ ग्रास के लिए उन्होंने 1.60 रुपए रखा है। हमारा कहना है भाजपा के हमारे साथियों से, मित्रों से और मुख्यमंत्री जी से कि हम आपको 2 रुपए देते हैं, आप एक गौ माता का पालन करो। आप 1.60 दे रहे हैं गौ माता के लिए, हम 2 रुपए देते हैं, 100 रुपए देते हैं, और आप गौ माता का कैसे पालन करोगे? तो इनका तो सिर्फ झूठ बोलना, देर तक बोलना, जोर से बोलना एकमात्र इनका काम है, उस काम में उन्हें महारत हासिल है। अभी जो उपचुनाव आने वाले हैं जो 26 सीटों को लेकर, तो आपकी जो पार्टी है विपक्ष के खिलाफ किस प्रकार मैदान में उतरी, किस मुद्दे को लेकर आगे मैदान में उतरी, जिससे कि आपकी आगामी सरकार बन सके, तो किस मुद्दे को लेकर जाएगी? 27 सीटों पर चुनाव है और वो चुनाव जनता लड़ रही है, और वहाँ तो एक ही नारा है, मैं भी 3 विधानसभाओं में लगातार पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, एक ही नारा चल रहा है कि एक तरफ बिकाऊ है और एक तरफ टिकाऊ है। अब आप तय करिए कि बिकाऊ चाहिए या टिकाऊ चाहिए, जो आपके पैसे आपके वोटों को इसमें भेज दे, क्या चाहिए? तो जनता चुनाव लड़ रही है, और बिकाऊ अपने घर जाएंगे और टिकाऊ वापस मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुँचेंगे, और फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस, फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ आने वाले समय में बहुत शीघ्र होगा। साथ ही जो विधायक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस के जो वचन पत्र थे वो पूरे नहीं हो पाए, इस कारण से हमने पार्टी छोड़ी है। यदि ये बात वो उस समय कहते और मुद्दे पे बोले वचन पत्र का कौन सा बिंदु पूरा नहीं हो पाया, वो वचन पत्र किसी भी पार्टी का वचन पत्र होता है वो 5 साल के लिए होता है, 5 दिन 5 महीने और 15 महीने के लिए नहीं होता। वचन पत्र पर जवाब तब मांगा जाता है जब कोई भी सरकार कार्यकाल पूरा करने की तरफ हो, और उस समय तक यदि वचन पत्र छूट जाए तो निश्चित तौर पर वो पार्टी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उस सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। और अभी तो 15 महीने हुए थे, 16 महीने जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा की आचार संहिता में चले गए, और 1.5 महीने अंतिम महीना मार्च का अस्थिरता में चला गया। 1 साल और 14 महीने मिले थे माननीय कमलनाथ जी को, और वचन पत्र के 87% बिंदुओं पर काम हुआ, और अधिकतर काम हुआ वो तो जनता ही कह रही है।
अभी किसान की बहुत दयनीय स्थिति हुई, जिस प्रकार से उनके ऊपर एक संकट खड़ा हो गया है बारिश के चलते, और यहाँ पर वो फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। यदि उचित मुआवजा किसानों को अपनी फसलों का नहीं मिला तो आपकी सरकार क्या करे, क्या उनके हित में क्या कार्य करेगी, बताएं। यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो किसानों के पूरे दुख दर्द दूर किए जाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी हवाई पर्यटन नहीं करते कि 100 करोड़ का हवाई जहाज ले लें, हेलीकॉप्टर ले लें और हवाई पर्यटन करने जाएं या देखने जाएं कि अब किस घाट पे कितनी रेत बची है। ये काम हमारे मुख्यमंत्री जी का नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हम समस्या का मालूम करेंगे, समस्या के निदान के लिए प्लानिंग करेंगे और उसके बाद उस समस्या का हल करेंगे। निश्चित तौर पर किसानों के लिए जो भी बन सकेगा कांग्रेस की सरकार करेगी। बात यदि शिक्षा क्षेत्र की करें तो जैसे आपकी सरकार ने 90 दिन का टाइम दिया था अधिक शिक्षकों के लिए, जिस कारण माननीय सिंधिया जी सड़क पर उतरे, तो उसके बारे में आप, यदि आपकी सरकार डबल से बनती है तो उनके लिए क्या? सिंधिया जी सड़क पे कब उतरे हैं भैया? सिंधिया जी सड़क पे तो उतरे हैं भाजपा के टेंट में। सिंधिया जी सड़क पे उतरने की बात कर रहे थे, यदि हमें भी अच्छा लगता कि आज यदि सिंधिया जी किसानों के लिए सड़क पे उतरते, सिंधिया जी यदि अतिथि शिक्षकों के लिए उतरते तो हमें भी लगता कि वो कांग्रेस की गलती का एहसास दिला रहे हैं। सिंधिया जी किसके लिए सड़क पे उतरे हैं? बिकाऊओं के संरक्षण के लिए सड़क पे उतरे हैं सिंधिया जी आम आदमी के लिए सड़क पर नहीं उतरे। और हम फिर धन्यवाद देंगे माननीय कमलनाथ जी का, आज मुझसे यदि कोई गलती हो जाए और मैं माफ़ी मांग लूं और माफ़ी मांग के मैं बोलूं कि अगली बार यदि हम आते हैं तो सबसे पहले ये काम करेंगे, तो यार गलती तो इंसान से होती है ना। सरकार का खजाना खाली था। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने कहा है कि हमसे इस मामले में गलती या भूल हुई, आर्थिक कारण थे, अब हम उस आपसे क्षमा मांगते हैं और जब भी हम सरकार में आएंगे पहला काम अतिथि शिक्षक का करेंगे। इसको कहते हैं बड़ा दिल। अभी मैंने वर्तमान विधायक जी से पूछा था किसानों के बारे में, तो कन्वर्सन की राशि पर ब्याज लिया गया भाजपा सरकार ने, उन्होंने मुझको एक जवाब दिया गया कि कांग्रेस सरकार ने ये नियम बनाया था कि ये नियम सर्कुलर बना कर गई थी कांग्रेस सरकार की, जो राशि शेष रह गई है उस पर ब्याज किसानों से लिया जाए, वर्तमान विधायक का कहना है। अब वर्तमान विधायक जी से तो पहले ये पूछ लिया जाए कि कन्वर्सन क्या होता है, यदि वो इसी का उत्तर दे देंगे तो हम मानेंगे उनको। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप एक बहुत जिम्मेदार पद पर हैं। जो सरकार कर्ज माफ करेगी, जो सरकार किसानों का कर्जा माफ कर रही थी, वह कन्वर्सन के आदेश क्यों देगी और कन्वर्सन पर ब्याज के आदेश क्यों देगी? अरे हम तो कर्ज ही माफ कर रहे हैं, जब कर्ज ही नहीं रहेगा तो काय का कन्वर्सन पर ब्याज? ये सब इनका ही काम है। 14% कन्वर्सन पर ब्याज ले रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस की जनहितैषी योजनाओं पर इनने तालाबंदी कर दी है वर्तमान सरकार ने, उसमें आपका आगे क्या हो? जितनी भी जनहितैषी योजनाओं को इन्होंने बंद किया है, पहली कैबिनेट में कमलनाथ जी की वापस पूरी योजनाएं चालू होंगी, बच्चियों को वापस 51,000 रुपये मिलेंगे। और तो और मैंने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर घोषणा की थी, मैंने वचन पत्र दिया था निजी कि यदि मैं विधायक बनता हूँ क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से तो 11 में महाविद्यालय खोलेंगे, 11 में मंडी खोलेंगे। मगर मुझे अभी किसी कार्यकर्ता ने, हमारे साथी ने बताया कि वर्तमान में जो विधायक हैं उन्होंने भी कहा था कि यदि हमारी सत्ता बनी तो 11 में कॉलेज और मंडी खोलेंगे, 11 में कॉलेज और मंडी खोलेंगे। अब भैया बताओ, वे MLA, वे सांसद, प्रदेश में भी उनकी सरकार, केंद्र में भी उनकी सरकार, अब उन्हें कौन रोक रहा हो भैया मंडी खोलवे से? कौन खोल रहा हो कॉलेज? कौन रोक रहा हो कॉलेज खोलने से? वो खोले, हम उनका स्वागत करेंगे। उल्टा और कर दो भाई साहब, 51,000 कांग्रेस ने करे बंद, 28 कर दे और कुछ बस मोड़ियों की शादी।